हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिना हेलमेट संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान जारी। गुरुवार से शुरू अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। सड़क सुरक्षा अभियान जिला मुख्यालय व बालोतरा क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य के लिए निर्णय के अनुरूप पालना में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, दुर्घटनाओं में होने वाली जन धन की गति कम करने व आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूक लाने एवं बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारक तेज गति बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए के संचालित वाहनों के समन्वित पर संभावित रूप से प्रभारी नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग व पुलिस द्वारा आज 15 जुलाई से 24 जुलाई तक संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कार्रवाई के लिए जिला में 6 पुलिस टीमें गठित की गई। इसमें 3 टीमें जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा गठित की गई। बालोतरा द्वारा गठित उड़न दस्ते के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई की जा रही है और यह अभियान गुरुवार से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। उसके बाद भी यह लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यातायात पुलिस विभाग अधिकारी डिंपल कंवर ने बताया, कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अभियान में शक्ति रखने के साथ यातायात नियमों के जानकारी देकर पालना करने की हिदायत दी। पारस गहलोत इंस्पेक्टर परिवहन विभाग ने बताया, आज तीसरे अभियान में बिना हेलमेट तेज गति गाड़ी चलाना, बिना नंबर की गाड़ी या कागज पूरे होना नियमों की जानकारी दे रहे हैं। अभियान 24 जुलाई चलेगा न्यू बस रोडवेज डिपो के पास यातायात थाना के आगे व हाईवे ग्रामीण थाना कार्यवाही जारी रहेगी। अभी एक्चुअली हमारा स्पेशल अभियान चल रहा है हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के। उसमें जनता को जागरूक भी कर रहे हैं साथ साथ में और हेलमेट के लिए प्रोत्साहन भी कर रहे हैं और साथ में कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें हेलमेट और सीट बेल्ट के रिगार्डिंग हम कारों वालों के चालान भी बना रहे हैं और उनको काउंसलिंग भी दे रहे हैं कि प्रॉपरली सीट बेल्ट और हेलमेट की क्या उपयोगिता है वो उनको बताया जा रहा है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।